जो धूल मिट्टी होती है वो बैठ जाती है, जो यहाँ पे हीट सिंक होती है इसकी, तो वो ब्लॉक होने की वजह से इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो आज इसको क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद इसको दोबारा से फिट करेंगे, फिर देखेंगे इसके हीट में कितना फ़र्क पड़ता है। ये ऑटोमेटिक शटडाउन भी हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ओके, तो इसको एक बार शटडाउन कर लेते हैं, शटडाउन करने के बाद मिलते हैं, ठीक है।
भी बहुत गई थी। इसके अंदर धूल देख लेते हैं, देखिए इतनी गई हुई है। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गई हुई है। और इसके यहाँ पर जो ये है ना, जो हीट सिंक लगी होती है बाहर, जिसके अंदर से एयर बाहर आती है, ठीक है, गर्म हवा बाहर आती है, तो इसके बीच में और जो एग्जॉस्ट फैन है, इसमें इस गैप में बहुत ज़्यादा धूल जमा हो जाती है, तो वो हमें निकालनी है, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन को निकालेंगे, सीपीयू फैन को, मतलब सीपीयू को ऑन ओपन कर लेंगे यहाँ से। इसका एक बार एक कनेक्टर हटा लेते हैं। तो एक तो इसकी जो सीपीयू के ऊपर जो थर्मल पेस्ट होता है, जो ठीक है, ये भी बिल्कुल निकला हुआ है, साइडों में गया हुआ है, सीपीयू के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। इसको हमें क्लीन करना होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद, ठीक है, ये भी हो जाएगा हमारा क्लीन। और साथ में हम क्या करेंगे, इसको सीपीयू फैन को भी यहाँ से ओपन करेंगे, जो ये हीट सिंक है ये भी हटा के यहाँ से इसके बीच में जो भी यहाँ पे धूल होगी वो निकालनी पड़ेगी। ओके, तो एक बार मैं बोर्ड को साइड में कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे चार स्क्रू होते हैं, इन स्क्रू को हटा लेंगे। हटाने के बाद हमारी जो ये हीट सिंक है, ये कॉपर वाली, ये बाहर आ जाएगी। ये देखिए, तो देख पा रहे हैं, देखिए बिल्कुल ब्लॉक है, यहाँ पे कोई भी पैसेज नहीं है। जो एयर है, एयर वेंट्स हैं, ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं। ये देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए कितना गंद जमा हो चुका है यहाँ पे। इसके ऊपर भी गंदगी जमा हो गई है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपीयू को निकाल लेंगे। सीपीयू को क्लीन करने के लिए एग्जॉस्ट फैन को हमने क्लीन कर लिया था ऑलरेडी, तो बिल्कुल आराम से इसको निकाल लेंगे। हमने प्रोसेसर को क्लीन कर लिया है अच्छे से, ठीक है, क्लीन हो गया है। तो इसको हम आसानी से इसको एक ऊपर लगा देंगे। ध्यान रखें इसका जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, ठीक है, इसके हिसाब से इसके ऊपर मिलान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक निशान बना होता है, उसके हिसाब से लगा देंगे इसको। ये लग गया, ये जो मार्क दिख रहा है ना आपको, तो ये मार्क है, इसके ऊपर इसकी सीध में कर देंगे, ठीक है। और इसको लॉक कर देंगे। ओके, ये लॉक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो सीपीयू का जो हीट सिंक है, हीट सिंक को उठाएंगे, ठीक है, इसको तैयार कर लेंगे लगाने के लिए। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक थर्मल पेस्ट लेंगे। थर्मल पेस्ट को हम सीपीयू के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा, छोटी छोटी सी ड्रॉप लगाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा एरिया होता है ये, ठीक है।
through the wastelands, through the highways, and I.